नमस्कार, मैं हूं आपका गुडलक गुरु कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं इंडिया न्यूज की खास प्रस्तुति गुडलक गुरु में। गुडलक गुरु में हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे आज के गुडलक मंत्र की, वो मंत्र जो आपके जीवन को सुखी, समृद्ध और सफल बनाता है, जो आपके जीवन में एक बदलाव लेकर आता है, जो आपके जीवन में आशा की एक किरण जगाता है। और आज का गुडलक मंत्र तो बेहद खास होने जा रहा है उनके लिए जो रिलेशनशिप में है, जो प्रेम में सफलता पाना चाहते हैं। मतलब भी समझाऊंगा आपको इस मंत्र का। कामदेव को कहते हैं मदन और कृष्ण को कहते हैं मदन मोहन, और मदन सुंदरी मूलतः देवी चंद्रघंटा को कहते हैं, द गॉडेस ऑफ अट्रैक्शन, द गॉडेस ऑफ लव, रोमांस। तो कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिए आज का गुडलक मंत्र, क्योंकि आज का गुडलक मंत्र आपको प्रेम जीवन में सफलता देने वाला है। मंत्र है ओम मदन सौंदर्य नमः, और इसी के साथ ही जुड़ा हुआ आज का हमारा गुडलक उपाय। देखिए, प्रेम जीवन में सफलता पाने के लिए क्या करें, देवी चंद्र घंटा पर सफेद चंदन चढ़ाएं और चढ़ाकर उसे रोज नाभि पर लगाएं। नाभि जो क्षेत्र होता है ना, वो कुंडली का पांचवा भाव होता है, उसी से प्रेम देखा जाता है। आप देखिए प्रेम जीवन में कैसे आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, आज गुडलक स्पेशल में हम बात करेंगे त्रिपुर सुंदरी की, जो संसार में सबसे सुंदर है, जिसे हम षोडशी कहते हैं, जिसे हम ललिता कहते हैं, 16 वर्ष की देवी। गाना सुना होगा ना आपने, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। 16 साल बहुत ज्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि ये जो 16वां साल होता है जीवन का, ये जीवन में हार्मोनल चेंजेस लेके आता है। तो आज आपको बताएंगे देवी त्रिपुर सुंदरी के खास उपाय, जीवन में सफलता कैसे दिलाएं, प्रेम जीवन में सफलता और जीवन के तीनों क्षेत्र में सफलता, जवानी में, मध्यायु में और बुढ़ापे में, क्योंकि तीनों पूर्व नहीं कही है त्रिपुर सुंदरी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। तो आज दिन शुक्रवार का है, तारीख है 24 मार्च 2023, चैत्र शुक्ल तृतीया पर चंद्रमा मेष राशि और अश्वनी नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभंक रहेगा 7, शुभरंग रहेगा सिलेटी, शुभ दिशा रहेगी ईशान, राहु काल रहेगा सुबह 10:30 से 12 बजे तक का, सर्वार सिद्धि योग रहेगा सुबह 6:21 से लेकर दोपहर में 1:22 तक, रवि योग रहेगा दोपहर को 1:22 से लेकर अगले दिन सुबह 6:20 तक, यानी कि पूरा दिन विशेष बन गया। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 8:59 से लेकर सुबह 10:29 तक। विशेष क्या है, चैत्र नवरात्र की तीज है, सबसे खास दिन होता है ये अष्टमी के बाद का। इस दिन गौरी पूजा का विशेष महत्व होता है, राजस्थान में इस दिन गणगौर मनाया जाता है, और खास दिन है मत्स्य जयंती का, भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की जयंती है, और खास देवी चंद्र घंटा का पूजन किया जाएगा। दिशाशूल पश्चिम दिशा में रहेगा, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें, अगर यात्रा करना बहुत जरूरी है तो इत्र लगाकर घर से निकले। तो दोस्तों, अब चलिए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। बताएंगे आपको 12 राशियों के जीवन में क्या हलचल मचने जा रही है, बताएंगे आपको मेष से लेकर मीन राशि का राशिफल राशि अनुसार उपायों के साथ में, साथ साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार ही आपका शुभ अंक और शुभ रंग भी। तो चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में। मेष राशि वालों, अचानक कोई बड़ा धन लाभ होने की संभावना है, कुछ नया करने का आपका मन बन सकता है, कार्य क्षेत्र में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आपको लाभ हो सकता है, ऑफिस में अधिकारी वर्ग आपसे खुश रह सकते हैं, शाम को बच्चों के साथ में अच्छा टाइम आप स्पेंड कर पाएंगे। बस एक छोटा सा उपाय कीजिए, चंदन के इत्र का इस्तेमाल कीजिए, शुभंक रहेगा 7, शुभरंग रहेगा सिलेटी। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। वृष राशि वालों, कारोबारियों को उम्मीद से अधिक धन लाभ होने की संभावना है, सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता, आपकी ख्याति बढ़ सकती है, परिजनों की सलाह आपके लिए लाभदायक रह सकती है,
भाई बहन के साथ आपके संबंध बेहतर बन सकते हैं, आपकी सेहत भी बेहतर बनी रह सकती है। एक छोटा सा उपाय करें, सिक्के को दही लगाकर किसी भी पेड़ पर चढ़ा दें, शुभ अंक आपके लिए 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाय की बात करेंगे। मिथुन राशि वालों, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है, कारोबार में धन लाभ की संभावना है। इस राशि के जो प्रेमीगण हैं वो कहीं साथ साथ घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं, सामाजिक कामों में व्यस्तता रह सकती है, अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि आज बहुत ज्यादा बढ़ी रह सकती है, रिश्तों में मजबूती आ सकती है। बस एक छोटा सा उपाय करें, पक्षियों के लिए अरहर दाल रखें, शुभ अंक आपके लिए 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। तो दोस्तों गुड लक स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं देवी त्रिपुर सुंदरी के खास उपाय जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। सुख समृद्धि और सौभाग्य तीनों, आइए इस बारे में बात करेंगे। देखिए महादेवी त्रिपुर सुंदरी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, कोई इन्हें राज राजेश्वरी कहता है, कोई इन्हें बाला सुंदरी कहता है, कोई त्रिपुर बाला सुंदरी कहता है, कोई इन्हें श्रीदेवी के नाम से बुलाता है, कोई इन्हें ललिता कहता है। देवी महादेवी जो त्रिपुर सुंदरी है, जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव लाने में और उसको बदलने में सक्षम है। जीवन के तीनों पगों पर, जवानी, मध्य और बुढ़ापा भी। तो आइए जानते हैं देवी त्रिपुर सुंदरी के खास उपाय जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य कैसे लेकर आए। देखिए पारिवारिक सुख शांति अगर आप चाहते हैं तो महाविद्या त्रिपुर सुंदरी पर आटा चढ़ाकर किसी सुहागन ब्राह्मणी को दान कर दें। अगर आप अखंड समृद्धि चाहते हैं, अखंड समृद्धि मतलब कि जीवन भर आपका सुहाग सलामत रहे, आपका जीवन साथी रहे और आपका हैप्पीली मैरिड लाइफ कटे, तो उसके लिए अखंड समृद्धि के लिए महाविद्या त्रिपुर सुंदरी के निमित्त गाय के घी का पंचमुखी अखंड दीपक नवरात्रि में जलाएं। प्रेम जीवन में सफलता के लिए महाविद्या त्रिपुर सुंदरी पर हरे कांच की 5 चूड़ियां चढ़ाकर किसी कन्या को दान कर दें। पूरी जानकारी आपको देंगे महाविद्या त्रिपुर सुंदरी के महा उपायों से कैसे आएगी जीवन में सुख समृद्धि और सफलता। लेकिन अभी बात करेंगे अगली 3 राशियों की, बात करेंगे चौथी राशि कर्क यानी कैंसर की। कर्क राशि वालों, मेहनत के बल पर आपको धन लाभ मिलने की संभावना है, पारिवारिक जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकती है, आपके सोचे हुए कामकाज ज्यादातर पूरे हो सकते हैं, रोजगार से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है, अध्यात्म की ओर आपका रुझान अधिक रह सकता है। एक छोटा सा उपाय करें, पूजा घर में इत्र चढ़ाएं, शुभ अंक आपके लिए 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। सिंह राशि वालों, पारिवारिक स्तर पर खुशियों में वृद्धि हो सकती है, अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना होगा, नए लोगों से मुलाकात आपके लिए लाभदायक रह सकती है, नए कामकाज में आपकी रुचि बढ़ सकती है। बस आपको सेहत के प्रति थोड़ी सावधानी बरतने की मैं सलाह देता हूं, रुके हुए कामों में आज सफलता मिलने की भी संभावना है। बस एक छोटा सा उपाय करें, दक्षिण पूर्व दिशा में घर की दीपक जलाएं, शुभ अंक आपके लिए 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। छठी राशि कन्या यानी कि वर्गों की बात करते हैं। कन्या राशि वालों, आपके सभी काम काज आज समय से पूरे हो सकते हैं, किसी काम में जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिल सकता है, राजनीति के क्षेत्र में जो नेतागण जुड़े हुए हैं उनको सफलता मिलने की संभावना है, सही योजना के तहत करियर में आप बदलाव भी ला सकते हैं, घरेलू काम को निपटाने में सफलता भी मिल सकती है। एक छोटा सा उपाय करें, धर्मस्थल में चीनी चढ़ाएं, शुभ अंक आपके लिए 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। तो गुड लक स्पेशल में आज हमारी चर्चा का विषय है देवी त्रिपुर सुंदरी के खास उपाय जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। देखिए प्रेम जीवन में सफलता के लिए, क्योंकि ये जो देवी है ना ललिता, जिनको ललिता भी कहते हैं, त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं, ये प्रेम की देवी है, 16 वर्षीय है। तो प्रेम जीवन में सफलता के लिए पान के पत्ते पर चंदन से प्रेमी का नाम लिखकर महाविद्या त्रिपुर सुंदरी पर चढ़ाएं। बड़े धन लाभ की अगर आप प्राप्ति करना चाहते हैं तो ऐसे में महाविद्या त्रिपुर सुंदरी पर सर्वज्ञ के फूल चढ़ाएं। सिर्फ इसी महीने में मिलेंगे सर्वज्ञ के फूल, इसके बाद इनका सीजन खत्म हो जाएगा। पूरी जानकारी देंगे आपको त्रिपुर सुंदरी के खास उपाय जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य कैसे लेकर आए। लेकिन अभी बात करेंगे अगली 3 राशियों की, बात करेंगे सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की। तुला राशि वालों, ऑफिस में आपके कामकाज की तारीफ हो सकती है, कुछ जरूरी कामकाज में समय कुछ ज्यादा लग सकता है, किसी खास व्यक्ति से विवाद होने के योग हैं, संभल कर रहें, किसी कामकाज में माता पिता का सहयोग आपको मिल सकता है, कारोबार में मुनाफा होने की भी संभावना है। बस एक छोटा सा उपाय करें, थोड़ी सी मिट्टी लेकर के टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए, शुभ अंक आपके लिए 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। वृश्चिक राशि वालों,
नई योजनाओं को बनाने में आपको सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार आ सकता है, कुछ बेहतर रह सकती है। खास कामकाज में जीवन साथी का आपको सहयोग मिल सकता है। इस राशि के जो मीडिया कर्मी हैं उनके लिए दिन बहुत फायदेमंद रह सकता है। करियर में आगे बढ़ने के आपको अनेक अवसर मिल सकते हैं। एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा, पक्षियों के लिए चावल रखिए, शुभ अंक आपके लिए साथ रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलिटी। नवी राशि धनु यानी कि सजिटेरियस की बात करेंगे। धनु राशि वालों, कारोबार में आपको फायदा हो सकता है, ऑफिस में सहकर्मियों का पूरा आपको सहयोग मिल सकता है, पैसे कमाने के नए विचार भी आपके मन में आ सकते हैं, नए आइडियाज मन में आ सकते हैं। छात्रों को अपने सीनियर से मदद मिल सकती है। घरेलू कामकाज में व्यर्थ की भागदौड़ रह सकती है, इसलिए बहुत सोच समझ करके काम करें, आपके घरेलू खर्चे भी बढ़ सकते हैं। एक छोटा सा उपाय करें, थोड़ी सी चीनी जो है ना किचन के सिंक में जल प्रवाह करते हैं। शुभ अंक आपके लिए एक रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। गुड लक स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं देवी त्रिपुर सुंदरी के खास उपाय जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। अगर आप रूप रंग में निखार लाना चाहते हैं, आप गुड लुकिंग दिखना चाहते हैं, महिलाएं ब्यूटीफुल दिखना चाहती हैं, तो क्या करें, नवरात्रि के दौरान शुक्रवार के दिन या किसी भी शुक्रवार के दिन महाविद्या त्रिपुर सुंदरी पर मुल्तानी मिट्टी चढ़ाकर उसका नित्य इस्तेमाल करें। मुल्तानी मिट्टी का यूज होता है फेस पैक बनाने में, तो पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, तो फेस पैक लगाइए उसका और सुंदर बन जाइए। आकर्षण में वृद्धि के लिए क्या करें, आप महाविद्या त्रिपुर सुंदरी पर सफेद चंदन चढ़ाकर रोज मस्तक पर उसका तिलक कीजिए, अट्रैक्शन आएगा। प्रेम संबंधों में सफलता के लिए महाविद्या त्रिपुर सुंदरी पर चंदन का इत्र चढ़ाकर नित्य उसे नाभि पर लगाइए। पूरी जानकारी आपको देंगे, महाविद्या त्रिपुर सुंदरी के खास उपायों से जीवन में आएगी सुख समृद्धि और सौभाग्य। बात करते हैं दसवीं राशि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की। मकर राशि वालों, आज किसी कामकाज में थोड़ी सी रुकावटें आने की संभावना है। छात्रों का मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लग पाएगा आज, हालांकि मेहनत का पूरा फल जरूर मिल सकता है। कोई बड़ा कामकाज करने से आपका मन आज बन सकता है, प्लानिंग उसके बारे में करेंगे। परिवार में किसी बुजुर्ग व्यक्ति से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, धन लाभ के भी सुंदर योग बन रहे हैं। बस एक छोटा सा उपाय कीजिए, नाभि पर थोड़ा सा शुद्ध घी लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। कुंभ राशि वालों, आपको धन लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे, उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है, आय के नए स्रोत आपके सामने आ सकते हैं, दोस्तों से सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रह सकता है, ऑफिस में आपके कामकाज समय पर पूरे हो सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि बदलता मौसम है, गले संबंधी रोगों से परेशान रह सकते हैं। एक छोटा सा उपाय कीजिए, कलाई पर चंदन से तिलक कीजिए। शुभ अंक आपके लिए 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। बात करेंगे 12वीं राशि मीन यानी पाइसिस की। मीन राशि वालों, आपके घर का माहौल आज खुशनुमा बना रह सकता है, आपके सोचे हुए कामकाज जो है वो आज पूरे होने की संभावना है, रचनात्मक काम में आपको फायदा होने की संभावना है, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है। अपने कार्यों के प्रति आपको सावधानी बरतनी होगी, वाहन चलाते समय पूरी तरीके से सावधान रहें। एक छोटा सा उपाय जरूर करें, कर्पूर का टुकड़ा अपने सिर से वार कर उसे जला दें। शुभ अंक आपके लिए 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। गुड लक स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं देवी त्रिपुर सुंदरी के खास उपाय जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। अगर आप जीवन से दुख दूर करना चाहते हैं तो क्या करें, नवरात्रि के दौरान बुधवार के दिन हरितमणि जानते हैं, एक तरीके का स्टोन है, उसको बोलते हैं एवेंचुरियन ग्रीन, तो हरितमणि की माला से महाविद्या त्रिपुर सुंदरी के मंत्र ओम विनोदिने नमः। विनोद का मतलब क्या होता है, खुश मिजाज। जब खुशी आएगी तभी तो दुख जाएंगे, जाप करें इसका। अगर आप इच्छित संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें, रविवार के दिन महाविद्या त्रिपुर सुंदरी पर गुड़ का भोग लगाकर लाल आभा लिए हुए गाय को खिलाएं। पूरी जानकारी आपको देंगे, महाविद्या त्रिपुर सुंदरी के महा उपायों से जीवन में आएगा सुख समृद्धि और सौभाग्य। लेकिन अभी समय है स्पेशल भविष्यफल का, वो भविष्यफल जो आपके बोलते हुए नाम पर आधारित है, आपकी जन्म तारीख पर आधारित है, और उसकी शुरुआत हम करेंगे मूलांक 1 के साथ। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 1/10/1928 तारीख को हुआ है या जिनका नाम AJS से शुरू होता है, सरकारी कामकाज से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है, नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है, कारोबारी यात्रा आपके लिए लाभदायक रह सकती है, आंखों और हड्डियों के संबंधित रोगों से परेशान रह सकते हैं। एक छोटा सा उपाय करें, कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। मूलांक 2 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है या जिनका नाम BK या TC से शुरू होता है,
किसी बात को लेकर आप परेशान और चिंतित महसूस कर सकते हैं। कोई बड़ा निवेश करने से आपको बचने की मैं सलाह देता हूं। कारोबार के लिए नई योजना आप बना सकते हैं। परिवार में किसी से अनबन होने की संभावना है, एक छोटा सा उपाय करें, चांदी के ग्लास में पानी। मूलांक 3 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 तारीख को हुआ है या जिनका नाम CL या U से शुरू होता है। नौकरी में बदलाव होने की संभावना है। छात्रों के लिए दिन बेहतर रह सकता है। मेहनत से आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। परिवार के साथ में समय आप बिता पाएंगे। कारोबार में लाभ की संभावना है। एक छोटा सा उपाय करें, केले का दान किसी भी मंदिर में करें। गुड लक स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं देवी त्रिपुर सुंदरी के खास उपाय जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। देखिए, अगर आप आर्थिक नुकसान से घिरे में और बचना चाहते हैं कामकाज में, तो नवरात्रि के दौरान किसी भी बुधवार के दिन या बिना नवरात्रि के भी किसी भी बुधवार के दिन हरे धागे में सफेद कनेर के फूल पिरो लें और महाविद्या त्रिपुर सुंदरी पर चढ़ा दीजिए। अगर आप पारिवारिक खुशहाली चाहते हैं तो उसके लिए देवी राज राजेश्वरी पर तगर से धूप करें। अगर और तगर दो अलग अलग चीजें हैं। मैंने आपको अगर के बारे में बताया है, लेकिन यह तगर है, इससे धूप करें। पूरी जानकारी आपको देंगे विशेष त्रिपुर सुंदरी के खास उपायों के बारे में, लेकिन अभी बात करेंगे हम मूलांक 4 की। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है या जिनका नाम DM या V से शुरू होता है। नौकरी में तरक्की मिलने के योग हैं। आपके सोचे हुए कामकाज समय से पूरी होने की संभावना है। संतान से कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, बस अपनी सेहत पर आपको ध्यान देना होगा। एक छोटा सा उपाय करना होगा, माता सरस्वती की आराधना करें। मूलांक 5 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है या जिनका नाम ENW से शुरू होता है। भाई बहन के बीच चल रहा विवाद खत्म होने की संभावना है। परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर आपको चिंता बनी रह सकती है। करियर में तरक्की के आपको सुनहरे अवसर मिल सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रह सकती है। बस एक छोटा सा उपाय कीजिए, पक्षियों को हरी मूंग की दाल का दाना डालिए। मूलांक 6 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है या जिनका नाम FO या X से शुरू होता है। जीवन साथी से अपनी बातें साझा कर सकते हैं। आज खर्चों की अधिकता रह सकती है। आर्थिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव बना रह सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। प्रेमीगण के लिए दिन बेहतर बना रह सकता है। बस एक छोटा सा उपाय करें, माता लक्ष्मी की आराधना करें। गुड लक स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं देवी त्रिपुर सुंदरी के खास उपाय जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। देखिए, व्याधियों से मुक्ति पाने के लिए शुक्रवार के दिन महाविद्या त्रिपुर सुंदरी का पंचामृत से अभिषेक करें। नौकरी में तरक्की पाने के लिए बुधवार के दिन नवरात्रि के दौरान या किसी भी बुधवार के दिन महाविद्या त्रिपुर सुंदरी का मिश्री के जल से अभिषेक करें। पुराने रोगों से मुक्ति पाने के लिए शनिवार के दिन महाविद्या त्रिपुर सुंदरी पर भस्म चढ़ाकर अपने शरीर पर थोड़ी सी छिड़क लें या लगा लें या उसका तिलक कर लें। पूरी जानकारी आपको देंगे त्रिपुर सुंदरी के खास उपाय जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। लेकिन अभी बात करेंगे मूलांक 7 की, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है या जिनका नाम GP या Y से शुरू होता है। आपके कामकाज आसानी से पूरे हो सकते हैं। आज की गई यात्राएं लाभदायक रह सकती हैं। करियर में कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। आपके खर्चों में वृद्धि की संभावना है। आपका स्वास्थ्य पहले से कुछ बेहतर बना रहेगा। एक छोटा सा उपाय करें, कानों में सोना धारण करें। अगर ना कर पाए तो कानों के जो पिन्ना होता है ना, यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी या केसर लगा लें। बात करेंगे मूलांक 8 की, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है या जिनका नाम HQ या X से शुरू होता है। पहले किए गए निवेश से आपको फायदा होने की संभावना है। धन लाभ होने के सुंदर योग भी बनते हुए नजर आते हैं। कारोबार को लेकर कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। सरकारी कार्यों में कुछ रुकावट हालांकि जरूर आने की संभावना है। कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ करके लें, ये जरूरी है। एक छोटा सा उपाय जरूर करें, कोई जंग लगा हुआ लोहे का हथियार या सामान घर में ना रखें। मूलांक 9 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है या जिनका नाम IR से शुरू होता है। आप संतान की सेहत को लेकर थोड़ा सा सावधान आपको रहना होगा। ऑफिस में कामकाज का बोझ अधिक रह सकता है। मार्च है, लाजमी है। कार्य क्षेत्र में अपने शत्रुओं से आपको सावधान रहने की मैं सलाह देता हूं। व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहें तो बेहतर रहेगा। सेहत को लेकर आपको सावधान रहना होगा। एक छोटा सा उपाय जरूर करें, बच्चों को डांटने या कोई अपशब्द कहने से बचें। देखिए, नवरात्रि का समय है, ये उपाय बहुत काम का है।
अन्यथा इससे विशेष रूप से शुक्र खराब हो जाता है। दोस्तों आज गुडलक स्पेशल में हमारी जो चर्चा का विषय है वो है देवी त्रिपुर सुंदरी के खास उपाय जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। मानसिक कष्टों से मुक्ति के लिए स्फटिक श्री यंत्र पर गंगा जल मिश्रित पानी से अभिषेक करके उस जल को थोड़ा सा ग्रहण कर लें। सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए गाय के घी का दीपक जलाकर महाविद्या त्रिपुर सुंदरी के मंत्र ओम काम शत्रुपिणे नमः इसका जाप करें। तो दोस्तों अब समय है आज के गुडलक पर्व का, और आज चैत्र नवरात्रि की तीज है और इस दिन देवी चंद्र घंटा का पूजन किया जाएगा। आइए इस बारे में बात करते हैं। आज चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा के तीसरे स्वरूप देवी चंद्र घंटा का पूजन किया जाएगा। देवी चंद्र घंटा उस मनुष्य के नव यौवन अवस्था के प्रेम को संबोधित करती है। 16 वर्ष की उम्र ललिता का भी इन्हीं से संबंध है तो चंद्र घंटा का भी इसी से संबंध है। शुक्र ग्रह पर आधारित और अपना आधिपत्य रखने वाली देवी चंद्र घंटा का स्वरूप चमकते तारे जैसा है। शास्त्रों ने चंद्र घंटा के स्वरूप को युद्ध में डटे योद्धा की भांति बताया है। देवी को वीर रस की देवी कहा गया है। इनका स्वरूप परम शक्तिशाली और वैभवशाली है। इनके मस्तक में घंटे का आकार का अर्धचंद्रमा है। सिंगरूढ़ा देवी रत्नों से सुशोभित हैं और उन्होंने अपने 10 हाथों में खड़ग अक्षमाला धनुष बाण कमल त्रिशूल तलवार कमंडल गदा शंख बाण आदि अस्त्र धारण किए हुए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी चंद्रघंटा की साधना का संबंध अग्नि तत्व से है और ये अग्नि दिशा की यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा की स्वामिनी है। कालपुरुष सिद्धांत के अनुसार शुक्र प्रधान अग्नि कोण की स्वामिनी देवी चंद्रघंटा का संबंध व्यक्ति के सुख ऐश्वर्य संपन्नता प्रेम कामनाएं भोग और सुखी दाम्पत्य जीवन से है। चंद्रघंटा की साधना सर्वाधिक रूप से उन लोगों को फलित होती है जिनकी आजीविका का संबंध सौंदर्य प्रसाधन जैसे ब्यूटी पार्लर हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, कला अभिनय जितने भी एक्टर्स हैं, नाटक थिएटर वाले जो लोग हैं, कंप्यूटर डिजाइनर्स जो हैं या जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, इनकी पूजा जो है वो गुलाबी फूलों से करके इन्हें चावल की खीर का भोग लगाना चाहिए। श्रृंगार में इन्हें इत्र अर्पित करना चाहिए। इनकी साधना से धन ऐश्वर्य प्रेम सुखी दाम्पत्य और संपन्नता मिलती है। इनकी साधना से अविवाहितों का शीघ्र विवाह होता है, प्रेम जीवन में सफलता मिलती है, धन की प्राप्ति होती है। अब बात करेंगे क्या करें और क्या ना करें ताकि आपको सफलता मिले और असफलता आपसे कोसों दूर रहे। पहले जान लीजिए क्या करें। तो देखिए देवी का इत्र से पूजन कीजिए, किसी सुहागन को आटा दान कीजिए, सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग कीजिए, आटा शक्कर घी अगर आप खरीदते हैं तो शुभ रहेगा, गुलाबी रंग के कपड़े पहनना शुभ रहेगा, ईशान कोण की अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो वो शुभ रहेगी। आप जान लीजिए क्या ना करें। उदासीन न रहें, डिसइंटरेस्ट ना रहे, ग्लूमी ना रहे, गंदगी ना फैलाएं, अच्छे तरीके से स्नान करें रगड़ रगड़ के, जीवन साथी को पूरा समय दें, खाकी रंग के कपड़े ना पहने ना ही सिलेटी रंग के पहने, समुद्री नमक का दान और उपयोग ना करें, कोशिश करें आज अगर सेंधा नमक खा सकें, और खट्टी चीजों का सेवन आज ना करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमस्कार।